हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आई एम रुचिका और आज हम क्लास 8 की हनी ड्यू बुक का चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1। ये स्टोरी दो पार्ट्स में है, चैप्टर 9 में पार्ट 1 है और चैप्टर 10 में पार्ट 2 है। तो आज हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। स्टोरी बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। इसकी राइटर है नेथनील हॉथर्न। तो वो इस स्टोरी में बेसिकली हमें एक माउंटेन के बारे में बता रही है। बहुत ही बड़ा माउंटेन होता है और जब उसे लोग दूर से देखते हैं तो वो ऐसे लगता है कि पत्थरों का बना हुआ एक चेहरा है। मींस उसके ऊपर जो स्टोन्स की फॉर्मेशन है वो इस तरह की है कि ऐसे लगता है कि एक ह्यूमन फेस है जो कि रॉक्स का बना हुआ है। लेकिन जब कोई उसके पास जाता है तो वो सिर्फ एक पत्थरों की ढेरी ही लगता है। तो किस तरह से इस स्टोन फेस, इस ह्यूज माउंटेन जो एक इंसान के चेहरे जैसा दिखने में लगता है, उससे कैसे एक बच्चा इंस्पायर हो जाता है और इसकी जो वाइब्रेशंस उसको मिलती हैं, इसके एक्सप्रेशंस हैं जो बहुत शांति के हैं, बहुत कामनेस के हैं, और वही एक्सप्रेशंस जब एक बच्चे को मिलते हैं जो बचपन से इसको देखता है, किस तरह से उस पर प्रभाव पड़ता है और उसकी पर्सनालिटी वैसी ही बन जाती है, यही कहानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले पार्ट वन है। पार्ट वन ऐसे शुरू होता है, वन आफ्टरनून व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस। Now, when the sun was going down का मतलब क्या है? जब सूर्य अस्त हो रहा था, सनसेट हो रहा था, दोपहर का समय था और सनसेट होने वाला था, तब एक माँ बेटा अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठे हुए थे और वो इस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे थे। ग्रेट स्टोन फेस वही बड़ा सा पहाड़ जिस पर जो रॉक्स की फॉर्मेशन है वो इस तरह की थी जो कि एक ह्यूमन फेस को रिजेंबल करता था। They had only to lift their eyes and there it was plain to be seen though miles away with the sunshine brightening its features. And what was the great stone face? तो यहाँ पर राइटर कह रही है कि आपको सिर्फ अपनी आंखें से ऊपर की तरफ उठानी पड़ती थी और तभी आपको सामने वो ह्यूज पहाड़ी दिख जाती थी। पहाड़ी के ऊपर जो रॉक्स थे उनकी फॉर्मेशन ऐसी थी कि वो एक ह्यूमन फेस की तरह लगते थे। तो कहते हैं कि जैसे ही आप अपनी आंखें ऊपर की तरफ उठाते थे सामने आपको वो पहाड़ी दिख जाती थी जबकि वो बहुत दूर थी, माइल्स अवे। माइल क्या है? डिस्टेंस को मेजर करने का एक यूनिट है। वो पहाड़ी बहुत दूर थी लेकिन फिर भी ऐसे लगता था कि सामने ही है क्योंकि वो बहुत बड़ी थी और जब उसके ऊपर सनशाइन पड़ती थी तो उसके जो फीचर्स हैं, जो उसके फॉर्मेशंस हैं, वो और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती थी। अब यहाँ पर राइटर कहती हैं कि ग्रेट स्टोन फेस क्या था, तो वो हमें बताएंगी कि वो क्या था। द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट व्हेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस दे रिजेंबल्ड द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस। परपेंडिकुलर का मतलब है राइजिंग स्टीपली। मीन्स एकदम से ही जो पहाड़ी की इंक्लिनेशन है वो बहुत ज्यादा, जब स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप होता है तब हम कहते हैं कि वो परपेंडिकुलर है। वैसे परपेंडिकुलर क्या होता है? जब दो चीजें 90 डिग्री के एंगल पर होती है, जब दो सर्फेसेस 90 डिग्री के एंगल पर होती है तब हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो पहाड़ी की जो स्लोप है ये भी इतनी ज्यादा स्टीप थी कि वो 90 डिग्रीज जितनी ही थी ऑलमोस्ट, तभी उसे परपेंडिकुलर कहा गया है। यहां पर वो कहना चाहती है कि जैसे एक क्लिफ होता है या फिर रॉक का जो फेस होता है वो बिल्कुल सीधा होता है ना, तो उसे परपेंडिकुलर कहा गया है। तो कहती है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है ये एक नेचर का वर्क था क्योंकि ये जो पत्थर पड़े हुए थे पहाड़ी के ऊपर ये तो नेचुरल फॉर्मेशन था और वो कहाँ पर था? पहाड़ी का जो फ्रंट साइड होता है वहां पर ये फॉर्म हो रहा था। पत्थरों की ऐसी फॉर्मेशन थी कि वो एक ह्यूमन फेस की तरह लगते थे।
तो बहुत ही इमेंस, इमेंस मीन्स वेरी ह्यूज एंड बिग, बहुत ही बड़े बड़े रॉक्स थे जो इस तरह से पड़े हुए थे कि वो एक ह्यूमन चेहरे को रिजेम्बल करते थे। तो यही यहां पर राइटर हमें बता रही है। If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. Spectator कौन होता है? Onlooker, जो किसी चीज की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ देख रहा होता है। Enormous again means very huge and big. तो यहाँ पर gigantic का मतलब भी है very huge and big. तो यहाँ पर राइटर कहती हैं कि अगर आप उस माउंटेन के पास चले जाएंगे तब आपको वो स्टोन फेस नहीं दिखाई देगा। तब आपको क्या दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा कि सिर्फ एक ढेरी है पत्थरों की। दूरी से जब देखेंगे तब आपको वो ह्यूमन फेस की तरह दिखेगा। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव। क्लस्टरिंग मीन्स गैदरिंग। तो कहती है कि जब आप एक डिस्टेंस से उस पहाड़ी को देखते थे, उसके ऊपर बादल भी इकट्ठे हो रहे होते थे, तो ऐसे लगता था कि वो जिंदा है, मीन्स वो एक ह्यूमन फेस है और वो अलाइव है। उसके ह्यूमन फीचर्स इतने ज्यादा प्रोमिनेंट थे, जैसे कि हम इस इमेज में भी देख सकते हैं। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मेनी पीपल दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बेनाइन फेस That was continually beaming over it. Fertility का मतलब है ability of the land to grow crops. ठीक है, एक जो land होता है वो fertile कब होता है? जब उसमें बहुत अच्छे अच्छे crops उग सकते हैं। तो fertility का मतलब क्या है? लैंड की ability के वहां पर कितने अच्छे crops उग सकते हैं। Benign means kind and gentle. Beaming means looking. तो यहां पर राइटर कहती हैं कि वैली, उस गांव में रहने वाले लोगों का ये मानना था कि उनकी धरती इतनी फर्टाइल इस वजह से है क्योंकि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है जिसका एक्सप्रेशन इतना काइंड है, इतना जेंटल है, वो हर वक्त उस जगह को देखता रहता है और उसी की कृपा से उनका लैंड इतना फर्टाइल है। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय एज वी सेड अर्लियर सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉकिंग अबाउट इट। द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नस्ट। गेजिंग हियर मीन्स लुकिंग इंटेंटली, बड़े ही ध्यान से किसी चीज को देखना। तो जैसे कि राइटर ने स्टार्टिंग में भी यही बताया था कि एक माँ बेटा अपने कॉटेज के दरवाजे पर बैठकर बड़े ही ध्यान से इस ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे थे और ये जो बच्चा है छोटा, इसका नाम है अर्नस्ट। मदर सेड ही व्हाइल द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल्ड ऑन हिम आई विश दैट इट कुड स्पीक फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंडली दैट इट्स वॉइस मस्ट बी इंडीड प्लेजेंट। इंडीड मीन्स होना ही चाहिए ऐसा। तो अर्नस्ट अपनी माँ को कहता है कि ग्रेट फेस दिखने में इतना काइंड लगता है, इसके एक्सप्रेशन इतने काइंड हैं कि काश ये बोलता होता तो इसकी आवाज भी कितनी प्लेजेंट होती, कितनी अच्छी होती। इफ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच। फर्दर अर्नस्ट कहता है कि अगर जिंदगी में मैं कभी भी किसी ऐसे आदमी को मिलूं जिसका चेहरा इस स्टोन फेस जैसा हो तो मैं उस आदमी से बहुत प्यार करूंगा क्योंकि वो बहुत नेक होगा, बहुत जेंटल होगा, बहुत काइंड होगा। इफ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास आंसर्ड हिज मदर वी मे सी अ मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच फेस एज दैट। प्रोफेसी क्या होती है? प्रोफेसी इज अ स्टेटमेंट दैट टेल्स अबाउट अ फ्यूचर हैपनिंग। जैसे कि हमने बहुत सारी प्रोफेसीज के बारे में पहले भी सुना है तो अर्नस्ट की मदर उसे कहती है कि एक ये भी प्रोफेसी है, ऐसा भी कहा गया है कि कभी फ्यूचर में एक ऐसा आदमी आएगा जिसका चेहरा बिल्कुल इस स्टोन फेस से मिलता होगा। व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर?
eagerly inquired Ernst, "Please tell me about it." Eagerly means with a lot of curiosity, and inquired means asked. तो अर्नस्ट अपनी माँ से पूछता है कि आप मुझे इस प्रोफेसी के बारे में और भी कुछ बताइए. सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर व्हेन हर सेल्फ वाज यंगर देन लिटिल अर्नस्ट. तो अर्नस्ट की माँ उसे कहती है कि जब मैं तुमसे भी छोटी थी तब मेरी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, तो वही कहानी मैं तुम्हें भी सुनाती हूँ. दैट एट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न नियर हियर who was destined to become the greatest and noblest person of his time and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. Destined means certain to happen, means ye cheez honi hi honi hai, aapne iska pehle hi announcement kar diya hai. To Ernst ki maa kehti hai ki jab main tumse bhi choti thi tab meri maa ne mujhe ye bataya tha prophecy ke bare mein. कि कहा जाता है कि एक दिन फ्यूचर में एक दिन ऐसा होगा कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो कि अपने समय का सबसे महान और सबसे नेक व्यक्ति होगा और उसका चेहरा स्टोन फेस से एकदम मिलता जुलता होगा. मेनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी बट अदर्स टुक इट टू नथिंग एल्स बट आइडल टॉक. प्रोफेसी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है और आइडल टॉक का मतलब है गॉसिप जिसे हम गपशप भी कहते हैं. मीन्स ऐसी बात जो कि इररिलेवेंट है जिसका कोई सब्सटेंस नहीं है वजूद नहीं है. तो उसकी माँ उसे कहती है कि बहुत सारे लोगों को तो विश्वास है कि ये जो प्रोफेसी है ये एक दिन सच होगी लेकिन कई लोग समझते हैं कि ये सिर्फ गपशप है. एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपियर्ड. फर्दर वो कहती है कि इतने सारे इवेंट्स हुए हैं तब से लेकर आज तक लेकिन आज तक ये जो महान व्यक्ति है जैसा कि प्रोफेसाइज किया गया था वो अभी तक कभी भी नहीं देखा गया. ओ मदर क्राइड अर्नस्ट क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम. हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमन. अब बेचारा अर्नस्ट इतना ज्यादा क्यूरियस हो गया है उस आदमी को देखने के लिए कि वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि मैं जिंदा रहूं और इस आदमी को देखूं. उसकी माँ बहुत अफेक्शनेट थी और बहुत थॉटफुल थी तो उसने अपने बच्चे की इस ख्वाहिश के बारे में सोचा. इट वॉज प्रॉपर शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ अ लिटिल बॉय सो शी सेड टू हिम परहैप्स यू मे. फैंसीफुल होप्स मीन्स अनरियलिस्टिक ड्रीम्स. मीन्स उसकी माँ को भी ऐसा ही लग रहा था कि उसके बेटे की जो ख्वाहिश है वो शायद ही सच हो. अनरियलिस्टिक लग रहा था क्योंकि बचपन से लेकर आज वो इतनी उम्र की हो गई थी कभी भी किसी ने स्टोन फेस जैसे चेहरे वाले आदमी को नहीं देखा था. लेकिन फिर भी उसने सोचा कि उसे अपने बेटे को निराश नहीं करना चाहिए इसलिए उसने उसे कहा शायद तुम उसे देख पाओ. एंड अर्नस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम. It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. Ernst ने अपनी माँ की बताई हुई ये कहानी और प्रोफेसी को कभी भी भूला नहीं और जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता था वो हमेशा यही सोचता रहता था. He spent his childhood in the log cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. लॉग कॉटेज क्या होता है? एक छोटा सा घर, एक कॉटेज जो कि वुड की लॉग्स, जो लकड़ी की लॉग्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, उससे बनाया गया हो. तो अर्नस्ट ने अपना बचपन इस लॉग कॉटेज में ही गुजारा जहां पर वो पैदा हुआ था. वो अपनी माँ की बहुत मदद करता था और अपने छोटे छोटे हाथों के साथ जितनी भी हेल्प वो करवा सकता था वो अपनी माँ की हेल्प करता था. और उसका जो दिल है वो इतना प्यार भरा था, इतना अफेक्शनेट था कि उससे भी उसकी माँ को बहुत हेल्प मिलती थी. इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफ्टन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ. अर्नस्ट हैड नो टीचर बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन टू हिम. पेंसिव मीन्स थॉटफुल, ऐसा व्यक्ति जो कि अपने ख्यालों में काफी ज्यादा खोया रहता है. तो बचपन में अर्नस्ट कैसा था? वो खुश रहता था लेकिन वो हरदम ख्यालों में खोया रहता था और जब वो बड़ा हुआ तब वो एक माइल्ड बट क्वाइट यूथ बन गया था. मींस
वो माइल्ड था, इतना ज्यादा रैश बिहेवियर नहीं था उसका, और वो चुप ही रहता था। उसका कोई टीचर नहीं था, लेकिन ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखते हुए, उसके एक्सप्रेशन से सीखते हुए ही अर्न्स बड़ा हो गया था। When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. Gaze again means to look intently, बड़े ही ध्यान से, carefully किसी चीज को देखना। तो जब अर्न्स का दिन का काम खत्म हो जाता था, वो घंटों बैठा स्टोन फेस को देखता रहता था। वो इतना ज्यादा डूब जाता था उसे देखते हुए कि उसे ऐसा लगता था कि इसके चेहरे के जो फीचर्स हैं वो अर्न्स के चेहरे के फीचर्स से मिलते जुलते हैं। और जब वो इसे इतनी देर तक देखता रहता था तो अर्न्स स्माइल करने लग जाता था और उसके दिल में काइंडनेस और इनकरेजमेंट की भावना बढ़ने लग जाती थी। काइंडनेस मीन्स जब आपका दिल दूसरों के लिए काइंड है, विनम्र है, और इनकरेज मीन्स जब आप दूसरों को इनकरेज करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। अबाउट दिस टाइम देयर वेंट अ रूमर थ्रू आउट द वैली दैट द ग्रेट मैन हु वाज टू बियर अ रिजेम्ब्लेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस हैड अपीयर्ड एट लास्ट। अब पूरी वैली में, पूरी घाटी में ये बात चल पड़ी कि वो जो ग्रेट मैन है, जिसकी रिजेम्ब्लेंस, जो दिखने में ग्रेट स्टोन फेस जैसा लगता है, वो अब आ गया है। It seems that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport. यही आदमी काफी साल पहले उस जगह को छोड़ के एक दूर के सी पोर्ट यानी के समुद्री शहर में जाकर, समुद्र के किनारे जो शहर बसा हुआ है वहां पर जाकर रहने लग गया था और अब वो वापस आ रहा था। Gather Gold, which was his name, had set up as a shopkeeper and being sharp in business matters, had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. तो ये जो आदमी है जो बहुत साल पहले उस जगह को छोड़कर चला गया था और अब वापस आ रहा था, उसका नाम है गैदरगोल्ड, और वो एक बहुत ही अच्छा शॉपकीपर बन गया था। वो बिजनेस मैटर्स में बहुत अच्छा था, इसी वजह से उसने इतना धन इकट्ठा कर लिया था कि अगर वो पूरी जिंदगी भी लगा दे तो वो उसे गिन नहीं पाएगा। In time, he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born. Native का मतलब होता है belonging to a place, by birth. जैसे कि वो आदमी वहां पर पैदा हुआ था तो वो वैली उसकी नेटिव प्लेस हो गई। अब जैसे कि समय बीत गया था तो उसने सोचा कि अब मैंने काफी धन इकट्ठा कर लिया है तो अब मुझे वापस अपने जगह पर जाना चाहिए और वहीं पर अपने आखिरी दिन जीने चाहिए। Ernst had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. Stirred का मतलब है moved. Means आप किसी चीज से, किसी बात से हिल जाते हैं। तो ही Ernst was deeply moved. जब Ernst को पता लगा कि वो आदमी जिसका कितने सालों से सब लोग इंतजार कर रहे हैं, जो दिखने में स्टोन फेस जैसा लगता है, वो अब वापस आने वाला है इतने सालों के बाद, तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया था। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gathergold." अब एक दिन ऐसे ही जब Ernst बैठा हुआ ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था और जब उसे ऐसा लग रहा था कि वो ग्रेट स्टोन फेस भी उसे देख रहा है, तभी उसे जोर से व्हील्स की आवाज सुनाई दी और उसने क्या देखा, एक ग्रुप है लोगों का जो कि चिल्ला रहा है कि मिस्टर गैदरगोल्ड आ गए हैं। अ कैरिज ड्रॉन बाय फोर हॉर्सेस डैश राउंड द टर्न ऑफ द रोड विद इन इट थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर्ड द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विद येलो स्किन। डैश्ड मीन्स पुश्ड वेरी फास्ट, बहुत ही तेजी से चलना। तो एक बहुत ही बड़ा सा कैरिज था जिसे चार घोड़े खींच रहे थे और वो रोड के टर्न से तेजी से जा रहा था। थ्रस्ट का मतलब है पुश सडनली, तो बहुत ही तेजी से एक चेहरा उस खिड़की में से बाहर निकला। वो चेहरा था एक बूढ़े आदमी का और उसकी स्किन का रंग था येलो।
द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, शाउटेड द पीपल। तो उस आदमी का चेहरा देख के लोग चिल्लाने लग गए कि ग्रेट स्टोन फेस क्या ह्यूमन जो फॉर्म है वो हमारे सामने है। इस तरह से सब लोगों ने गैदर गोल्ड को वेलकम किया। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट। तो एक आदमी ने कहा कि हाँ, वो जो पुरानी प्रोफेसी थी, वो प्रिडिक्शन थी, वो सच हो गई है। अब हमारे सामने ये ग्रेट आदमी फाइनली है जो कि दिखने में स्टोन फेस जैसा लगता है। एंड वॉट ग्रेटली पजल्ड अर्नस्ट, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हियर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ। अब अर्नस्ट को बहुत पजल्ड फील हो रहा था, वो कंफ्यूज था। क्यों? वो ये सोच रहा था कि इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो आदमी है इसका चेहरा स्टोन फेस से मिलता जुलता है, क्योंकि अर्नस्ट को ऐसा नहीं लग रहा था। He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, "He will come. Fear not, Ernst. The man will come." Wrinkled means झुर्रियों से भरा हुआ, shrewdness का मतलब है चालाकी, unpleasant face means ऐसा चेहरा जो दिखने में अच्छा ना लगे। तो यहाँ पर हमें राइटर क्या कहना चाहती हैं कि अर्नस्ट ने अपना चेहरा मोड़ लिया, वो घूम गया। जब उसने गैदर गोल्ड का चेहरा देखा तो गैदर गोल्ड का चेहरा कैसा था? झुर्रियों से भरा हुआ था और उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वो चालाकी का था और उसका फेस दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो अर्नस्ट को क्या लगा कि उसका चेहरा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन स्टोन फेस से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं थे। तो अर्नस्ट ने टर्न कर लिया और एक बार फिर से वो ग्रे स्टोन फेस को देखने लगा और उसे ऐसा लगा कि ग्रे स्टोन फेस उसे कह रहा है, ही विल कम, फियर नॉट, डरो मत अर्नस्ट, वो आएगा। मीन्स वो उसे कह रहा है कि डरो मत, जैसा कि प्रोफेसी ने कहा है, मेरे जैसा दिखने वाला इंसान आएगा। अब हमारी स्टोरी का सेकेंड पार्ट आ जाता है। The years went on and Ernst grew to be a young man. He attracted little notice from the inhabitants of the valley. Inhabitants means वहां के रहने वाले, वो लोग जो उस एरिया में रहते थे। जैसे जैसे साल बढ़ते गए, Ernst भी बड़ा होता गया और वो एक यंग मैन बन गया, लेकिन वैली के लोग उसे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो इतना प्रोमिनेंट नहीं था। They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. Labor of the day means दिन का जो काम है। अब वैली में रहने वाले लोगों को अर्नस्ट में कोई खास बात नहीं दिखती थी, क्योंकि अर्नस्ट एक सीधा साधा आम सा मामूली सा आदमी था। जब उसके दिन का काम खत्म हो जाता था तो बस वो घंटों बैठा ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता था। Their idea was that this was a folly but pardonable because Ernst was industrious, kind and neighborly. Folly means mistake, a galti. Pardonable means ek aisi galti jise aap maaf kar sake. Industrious means hard working. अब ये जो अर्नस्ट की एक्टिविटी थी कि वो घंटों बैठा हुआ स्टोन फेस को देखता रहता था, ये चीज गांव वालों को पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि वो एक गलती कर रहा है, लेकिन वो इस गलती को माफ कर देते थे क्योंकि अदरवाइज अर्नस्ट बहुत ही मेहनती था, काइंड था और नेबरली था, यानी कि उसने अपने नेबर्स के साथ अच्छी दोस्ती बनाई हुई थी। दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड एनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट एंड फिल इट विद डीपर सिंपथीज देन अदर हार्ट्स। अब उस जगह में रहने वाले लोगों को ये नहीं पता था कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है, ये अर्नस्ट का टीचर बन गया है। जब अर्नस्ट बैठा घंटों के लिए उसे देखता रहता है तो उसके एक्सप्रेशन अर्नस्ट के अंदर चले जाते हैं और वो उन्हें अपना लेता है। तो अर्नस्ट के अंदर भी एक ऐसे ही सेंटिमेंट था, ऐसी ही भावना थी जिससे उसका दिल बहुत बड़ा हो गया था, वो लोगों की तरफ प्यार से भरा हुआ था और डीपर सिंपथी थी उसके दिल में, बहुत ज्यादा सिंपथी थी। सिंपथी क्या होती है? फीलिंग्स। उसके दिल में लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स थी, अलग अलग टाइप की फीलिंग्स, जैसे कि उनका दुख समझता था, हर व्यक्ति को वो समझता था, हर व्यक्ति की भावनाओं को समझता था
और उसके अंदर ये फीलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि वो इतने घंटों तक इस स्टोन फेस को देखता रहता था। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम दैन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स। विजडम का मतलब है समझदारी, सूझबूझ। गांव वालों को ये नहीं पता था कि जैसे कि अर्न्स इतने घंटों तक उस स्टोन फेस को देखता रहता है, उसके अंदर इतनी ज्यादा फीलिंग्स भरी हुई हैं, उसी से उसके अंदर बहुत ज्यादा विजडम या समझदारी भी आ गई है। और इतनी ज्यादा समझदारी आपको कोई भी किताब पढ़ने से नहीं आती। नीदर डिड अर्न्स्ट नो दैट द थॉट्स विच केम टू हिम सो नेचुरली इन द फील्ड्स एंड एट द फायर साइड वर ऑफ अ हायर टोन देन दोज विच ऑल मेन शेयर्ड विद हिम। अब अर्न्स्ट को भी नहीं पता था कि उसके मन में जो विचार आते हैं, जो भावनाएं आती हैं, वो उसको तो बहुत नेचुरली आ जाती हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो बाकी लोग हैं उनके अंदर उस तरह की भावनाएं नहीं है। अ सिंपल सोल, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, ही बिहेल्ड द मार्वेलस फेस लुकिंग डाउन द वैली एंड स्टिल वंडर्ड व्हाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग। बिहेल्ड का मतलब है सॉ। तो यहाँ पर राइटर कहती है कि अर्नस्ट का जो सोल है वो बहुत ही सिंपल था। वो इतना सिंपल था जैसा कि वो बचपन में था जब उसे उसकी माँ ने वो कहानी सुनाई थी, और घंटों तक वो स्टोन फेस को देखता रहा ये सोचते हुए कि पता नहीं आज तक इसके जैसे दिखने वाला इंसान क्यों नहीं आया। तो जो उसके बचपन की माइंडसेट था, उसकी बचपन की जो सिंप्लिसिटी थी, वो आज भी कायम थी। By this time, poor Mr. Gathergold was dead and buried. His wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death. अब इतने सालों में मिस्टर गैदरगोल्ड जो वापस अपने गांव में आ गए थे ढेर सारा पैसा लेकर, वो मर गए थे और उन्हें बरी कर दिया गया था, दफना दिया गया था। उनकी दौलत तो उनके मरने से पहले ही खत्म हो गई थी, और उनकी दौलत ही बॉडी एंड स्पिरिट थी उनकी एग्जिस्टेंस का, मीन्स उनकी एग्जिस्टेंस का जो वैल्यू था, जो इम्पोर्टेंस थी, वो थी उनकी वेल्थ। वो उनके मरने से पहले ही खत्म हो गई थी। तो यहाँ पर राइटर हमें ये बताना चाहती है कि जो वेल्थ है, जो मनी है, उसके कोई मायने नहीं है क्योंकि वो तो कभी भी खत्म हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, जो एक इंसान के अंदर के गुण हैं, जैसे कि अर्नस्ट में काइंडनेस देखने को मिल रही है, उसके अंदर इतनी ज्यादा सिंपैथी है, उसका दिल इतना बड़ा है, ये ऐसी वैल्यूज हैं जो कि कभी भी खत्म नहीं होती हैं। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, इट हैड बीन जनरली अग्रीड दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस आफ्टर ऑल बिटवीन द रुइंड मर्चेंट एंड द मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन। अब पहले तो गांव वाले बहुत खुश थे उसके रिचेस देखकर, उसकी वेल्थ से इंस्पायर्ड होकर, कि उन्हें लग रहा था कि गैदर गोल्ड ही स्टोन फेस का मिलता जुलता रिजेम्बलेंस वाला आदमी है। लेकिन जब उसका गोल्ड बेल्ट अवे हो गया, यानी कि जब उसके गोल्ड खत्म हो गया, जब उसकी वेल्थ खत्म हो गई, तो अब गांव वाले क्या कहते थे कि ये जो रुइंड मर्चेंट है, रुइंड मीन्स डिस्ट्रॉयड, ये जो मर्चेंट है जो कि अब गरीब हो गया है, उसमें और स्टोन फेस में कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, दोनों अलग हैं, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम अ सोल्जर मेनी इयर्स बिफोर। अब यहाँ पे सेकंड इंसान आ गया, वो कौन है, वहीं के रहने वाला एक सोल्जर है, एक आदमी जो सिपाही बन गया था, वो बहुत सालों बाद वापस अपने वैली में आया। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर। इतने साल फौज में रहने के बाद अब वो एक कमांडर बन गया था। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। बहुत ही अच्छा सिपाही था और युद्ध की भूमि में उसे ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था, सब लोग उससे डरते थे। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिजायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली। अब ये सिपाही भी बूढ़ा हो गया था, बेचारा फौज में काम कर करके थक गया था, तो उसने भी ये चाहत एक्सप्रेस की कि वो भी वापस अपने वैली में जाकर रहना चाहता है जहां पर वो पैदा हुआ था। द इनहेबिटेंट्स, हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड टू वेलकम द रिनाउंड कमांडर। रिनाउंड मीन्स फेमस।
तो अब वैली में रहने वाले लोगों ने तैयारियां की उसका स्वागत करने के लिए। उसके जितने नेबर्स थे, उनके बच्चे जो कि अब बड़े हो गए थे, सब ने इस कमांडर को वेलकम करने की तैयारियां की। इट वॉज बींग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपियर्ड। अब सब लोग ये बात कर रहे थे कि ये जो कमांडर है, ये जो फौजी है, यही वो आदमी है जो कि ग्रेट स्टोन फेस के साथ रिजेंबल करता है। Great, therefore, was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing how exactly General Blood and Thunder looked. Glancing means हल्के से किसी चीज को देखना, to look lightly at something, and gazing means to look very carefully and intently. फॉर द सेक ऑफ का मतलब है आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर अ पर्सन गुड। जैसे हम कहते हैं ना, किसी के लिए मीन्स आप किसी के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, इसलिए आप कोई काम करते हैं। तो अब वैली में रहने वाले जितने लोग थे जिन्होंने आज से पहले कभी भी ग्रेट स्टोन फेस को नहीं देखा था, उन्होंने भी सोचा कि हम चलो एक बार देख तो ले कि जो सिपाही आने वाला है वो दिखने में कैसा लगता है, क्योंकि सबने ये तो मान ही लिया था कि वो फौजी की जो लुक्स हैं वो ग्रेट स्टोन फेस से रिजेंबल करती हैं। तो कितने लोग थे जिन्होंने आज तक कभी भी इस स्टोन फेस को नहीं देखा था, उन्होंने भी घंटों लगाए और उसे बड़े ध्यान से देखा ये जानने के लिए कि जनरल ब्लड एंड थंडर दिखने में कैसे लगते हैं। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल अर्नस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर अ ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड। बैंक्वेट इज अ फीस्ट। तो जिस दिन उस सिपाही ने गांव में आना था, उस दिन सब लोगों ने अपना काम छोड़ दिया और सब उस जगह पर इकट्ठे हो गए जहां पर एक बहुत बड़ा फीस्ट तैयार किया गया था उसके स्वागत के लिए। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड क्राउड रोड। अब वहां पर गार्ड भी थे, जितने भी सोल्जर्स थे वो उस जगह की सुरक्षा कर रहे थे, लोग झंडे लहरा रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे उसके स्वागत में। Ernst was standing too far back to see Blood and Thunder's face. However, he could hear several voices. Ernst थोड़ी दूर खड़ा हुआ था तो वो Blood and Thunder का चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो लोगों की आवाजें सुन पा रहा था। It's the same face, exactly, cried one man dancing for joy. Wonderfully like it, that's a fact, replied another. तो अब सब जो क्राउड में लोग थे वो ब्लड एंड थंडर का चेहरा देख के कह रहे थे कि अरे ये तो बिल्कुल सेम है, ब्लड एंड थंडर का चेहरा स्टोन फेस के चेहरे से बिल्कुल मिलता जुलता है। और दूसरे आदमी ने रिप्लाई किया कि हाँ ये तो एक फैक्ट है, ये तो सच है। एंड व्हाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। तीसरे आदमी ने कहा कि हाँ इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये हमारे समय का सबसे महान आदमी है, तो यही वो है जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है। Ernst at last could see the general's face and in the same glance to the side he could also see the great stone face. Glance means look. तो finally Ernst ने general blood and thunder का चेहरा देखा और उसी view में means simultaneously उसने great stone face को भी देखा। If there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernst could not recognize it. Proclaimed means announced loudly. तो यहां पर राइटर कहती है कि जैसे कि वो जो झुंड इकट्ठा हुआ था वो जोर जोर से ये कह रहा था कि जो ब्लड एंड थंडर है उसका चेहरा स्टोन फेस से मिलता जुलता है, लेकिन अर्नस्ट को ये रिजेम्बलेंस, ये सिमिलैरिटी नहीं दिखी। अर्नस्ट को ब्लड एंड थंडर का चेहरा स्टोन फेस जैसा नहीं लगा। Fear not, Ernst, said his heart, as if the great stone face was whispering to him. Fear not, Ernst, he will come. अब जब Ernst को ऐसा लगा कि ब्लड एंड थंडर का चेहरा स्टोन फेस जैसा नहीं है, तभी उसके अंदर से ये आवाज उठी जैसा कि स्टोन फेस ही उसे कह रहा हो कि डरो मत Ernst, वो आएगा। सो इसी जगह पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में कॉन्टिन्यू होगी, चैप्टर 10 में। यहाँ पर हमने चैप्टर 9 को पढ़ा, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स देखे और स्टोरी को समझा।
मुझे ये चैप्टर और ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आई होप आपने भी इसे एंजॉय किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को जरूर हिट कर दीजिए। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उनका जवाब जरूर देंगे। और जब तक कि हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, टेक केयर एंड गुड बाय।